फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं मीठी पूरियां। चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मीठी पूरी बनाने के लिए हमने लिए 3 कप मैदा, 2 कप चीनी, इसको हमने पीस लिया है, 1 कप नारियल का बुरादा, आधा कप दालचीनी जिसे हम चिरौंजी भी बोलते हैं, इसको भी हमने पीस लिया है, 2 बड़े चम्मच सूजी, 1 चम्मच हरी इलायची, इसको हमने कूट लिया है, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, 3 चम्मच देसी घी, दूध। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हम मैदे में डालेंगे चीनी, अब इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा, दालचीनी, सूजी, इलायची, अब इसमें डालेंगे देसी घी, इन सबको मिक्स कर लेंगे। इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मैदा में ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसमें कोई गांठ ना रह जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है सब। इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको अच्छे से गूंद लेंगे। पहले इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा दूध डालकर। मीठी पूरी का डो हम थोड़ा टाइट रखेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे। डो बनकर तैयार है। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। आटा अच्छे से सेट हो चुका है। चलिए अब हम पूरी बनाना शुरू करते हैं। पहले हम इस तरह आटे को 2 भाग में कर लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे। इसको हमें ना ज्यादा मोटा बेलना है ना ज्यादा पतला बेलना है। अब हम इसको काट लेंगे। हम गिलास से इस तरह इसके पीस करेंगे। इसको हम हटा लेंगे। पूरी कटकर तैयार है। देखिए हमने इसको ना ज़्यादा मोटा बेला है ना ज़्यादा पतला बेला है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। जो बचा हुआ आटा है पहले उसको हम कट कर लें। पहले हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके पूरी डालेंगे। इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब एक साइड इसका ब्राउन हो जाएगा तो इसको पलट देंगे, दूसरा साइड फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। मीठी पूरी बनकर तैयार है। आप इसको इस तरह ज़रूर बनाएं। ये कैसी बनी अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ।